मुख्यमंत्री अशोक गहलोत झुंझुनू जिले के खेतरी उपखंड क्षेत्र के बबाई ग्राम पंचायत में आयोजित महंगाई राहत शिविर और प्रशासन गाँव के संग अभियान के दौरे पर रहे। इस दौरान आयोजित विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राजस्थान सरकार प्रतिवर्ष 500 विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए विदेश भेजकर पढ़ाई का पूरा खर्च वहन कर रही है। गहलोत ने संबोधन में स्वामी विवेकानंद को याद करते हुए कहा कि स्वामी विवेकानंद ने शिकागो सम्मेलन में देश का नाम रोशन किया। विवेकानंद के ओजस्वी भाषण ने हर किसी को अभिभूत कर दिया। खेतरी का इतिहास शानदार रहा। गहलोत ने कहा कि राजस्थान सरकार महज 500 रुपए में गैस सिलेंडर दे रही है। केवल एक बटन दबाकर 14 लाख लाभार्थी महिलाओं के खाते में सब्सिडी कर राशि पहुंचाई गई। इससे पहले मुख्यमंत्री ने महंगाई राहत शिविर का अवलोकन किया और लाभार्थियों से संवाद भी किया। इस दौरान उन्होंने राजीविका के तहत स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को 16,50,000 रुपए का चेक भी वितरित किया। सभा में हजारों की तादाद में लोग मौजूद थे। संबोधन के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने रिको औद्योगिक क्षेत्र बबाई खेतरी उप जिला अस्पताल एवं राजकीय बालिका महाविद्यालय बबाई का शिलान्यास एवं उप तहसील कार्यालय बबाई और पुलिस थाना बबाई का शुभारंभ और 400 केवी जीएसएस बबाई का लोकार्पण भी किया। एक बना करके जो मदद की जा रही है आपकी, ये हिंदुस्तान में कई जगह है, सिर्फ राजस्थान में है। 25 लाख का बीमा और साथ में मैंने आपको कहा इस प्रकार से जो मैंने कहा कि एक्ट बनाया कानून, मतलब आप सबकी स्वास्थ्य जिम्मेवारी सरकार में रही है। इस प्रकार से हमने जो मांगा हमने काम किया। आज यहाँ भी अभी मैं शिलान्यास जी होगा राजकीय कन्या महाविद्यालय बबई खेतरी, वहां पर उप तहसील बबई, पुलिस थाना बबई और 400 केवी का जीएसएस, मैंने कहा आपको 167 करोड़ की लागत से बन गया है। धोखा बहुने वाला भी रिको का केंद्र बन ही रहा है। तो जो मांगा गया मैंने दिया नहीं है। आगे भी मैं कहना चाहूंगा डॉक्टर जो मेरे साथ काम किया, मैंने बहुत नजदीक से देखा इनको काम करते बना देते, अब प्रोडक्शन शुरू हो जाता। इस प्रकार मैं कहना चाहूंगा इनकी नकारात्मक सोच जाती है, नेगेटिव सोचते हमारे सब काम बंद करते। हम कोई काम बंद नहीं करते। ये आरसीपी की योजना इनकी बनाई हुई है, प्रसन्न जबक की है, हम उसे आगे बढ़ा रहे हैं। फिर जिले की योजना को पीने के पानी राजस्थान बन रही है, 1 लाख किलोमीटर किसे कहते हैं। बुजुर्गों को, महिलाओं को, पुरुषों को करीब 1,000 ले रहे हैं जब उम्र वाले हैं तो, और अभी जो 500 पेंशन थी जिनके 750 थी निर्जनों के कम उम्र के बुजुर्गों को, उनको मैंने 1,000 रुपये कर दिए है। कम से कम 1,000 सबको मिलेगा मिलेगा, ये हमने कर दिया। और 15% हर साल बढ़ेगी 15% बिना कोई घोषणा के। सोशल सिक्योरिटी का मजबूती से हम पक्ष रख रहे हैं। मोदी जी से कह रहे कि आप भी सोशल सिक्योरिटी एक्ट बनाओ। चलो मनमोहन सिंह जी ने सोने के बाद यहाँ पर आने वाले वक्त में हजारों बच्चों को काम मिलेगा, इंडस्ट्री लगेगी, काम धंधे मिलेगा, कोई सोच नहीं सकता। इतना बड़ा एरिया कवर होगा। इसलिए मैंने कहा आपको कि चुनाव भी आ रहा है, मैं उम्मीद करता हूँ कि चुनाव में जो है आप लोग कांग्रेस को अगर वापस कामना करते हैं तो माई बाप तो आप ही हो। हम कितने ही काम करने भले ही, पर दिल्ली से लोग आते हैं गुमराह करते लोगों को। हम कहते हैं कि 5 साल अगर मैं काम किया हमने अगर, और आप लोग सब खुश हो तो आपको सरकार रिपीट करनी चाहिए वापस। बार-बार बदलते हैं, वादा बदलने से सरकार को तो सारे काम रुक जाते हैं। ये मैं आपको निवेदन करना चाहता हूँ। मेरे पास बड़ी लिस्ट है अभी कि पानी रोक दी इन्होंने, 5 साल रोक दी। आप कल्पना कीजिए 38,000 की रिफाइनरी थी, बाढ़ में तेल निकल गया था,
पांच साल बर्बाद कर दिए इन्होंने, सरकार बदल गई, इसलिए वसुंधरा की सरकार आ गई, मोदी जी आ गए, आज 38